ड्राइंग बनाने बनाते समय किस किस मटेरियल का आप प्रयोग करते हैं उन्हीं के बारे में आप समझाऊंगा मैं। तो जो पहली टॉपिक है वो आपकी पेंसिल। पेंसिल ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाने या ट्रेसिंग पेपर के सहायता से ड्राइंग को उगाने या विभिन्न रेखाओं को खींचने के कार्य में आती है। पेंसिल ग्रेड के अनुसार तीन प्रकार की होती है। पहला है कठोर ग्रेड, दूसरा है मध्यम ग्रेड, तीसरा है नरम ग्रेड। तो कठोर ग्रेड की पेंसिल हल्की व महीन लाइनें खींचने के काम में प्रयोग की जाती है। मध्यम ग्रेड की पेंसिल जो है रिकॉर्ड कार्य, अक्षरांकन या अंकांकन करने के कार्य में प्रयोग की जाती है। और नर्व ग्रेड की पेंसिल जो है वह नर्व ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग मोटी तथा चमकदार लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका रबर। रबर जो है ड्राइंग पेंसिल द्वारा बनाए गए ड्राइंग को साफ करने के कार्य में आता है। तीसरी जो पॉइंट है वो आपकी इरेजिंग शील्ड जो है विभिन्न लाइनों के बीच में जब कई लाइनें खींची गई हो उसके बीच में एक लाइन खींचनी हो तो या उसकी क्षति पहुंचानी, उस लाइन को क्षति पहुंचाना या मिटाना हो तो आप इरेजिंग शील्ड का प्रयोग करते हैं। अगली जो पॉइंट है वह आपकी कटर की सहायता से हम जो है पेंसिल को जो है शॉर्ट करते हैं, तेज करते हैं या उसकी नोक बनाते हैं। ड्राइंग पिन या सेलो टेप, ड्राइंग पिन या सेलो टेप जो है ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पे बैठाने के काम में आता है। इसके जरिए हम ड्राइंग पिन लगा देते हैं या सेलो टेप से चिपका देते हैं जिससे हमारी ड्राइंग शीट जो है इधर उधर हिलती नहीं है। डस्टर, अगला जो पॉइंट है क्या है डस्टर। डस्टर एक सफ़ेद मोटे सूती कपड़े का टुकड़ा होता है जिसका प्रयोग जो है ड्राइंग पेपर से धूल धब्बड़ आदि हटाने के लिए किया जाता है। और रबड़ के मैल को भी जो है हटाता है डस्टर। अगला जो पॉइंट है आपका है सैंड पेपर जो है यह एक मोटे कागज की सीट पर विभिन्न यह एक पतला पारदर्शी पेपर होता है जिसका प्रयोग ड्राइंग की नकल करने के लिए किया जाता है। इसे ट्रेसिंग क्राफ्ट भी कहते हैं। ट्रेसिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रेसिंग पेपर या अमोनिया प्रिंट बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। पहले से बने ड्राइंग के ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखकर इंक पेन द्वारा उस ड्राइंग का नकल भी इसके जरिए किया जाता है। यह सैंड पेपर का कार्य होता है। अगला जो टॉपिक है आपका ट्रेसिंग पेपर इसी कार्य में आता है नकल करने के। यह जो है ड्राइंग के ऊपर रखकर उस ड्राइंग की इंकिंग पेन की सहायता से ट्रेसिंग पेपर के जरिए हम उसकी नकल करते हैं और उसको उगाते हैं आसान भाषा में। अगला जो पॉइंट है आता है सैंड पेपर यह मोटे कागज का शीट होता है पर विभिन्न आकार के अप्रेसिव कणों को चिपका कर बनाया जाता है। इसका प्रयोग आरेखन के लिए पेंसिल की नोक को अधिक नोकीला बनाने में किया जाता है। यह आज का जो टॉपिक था यह ड्राइंग का मटेरियल था।